हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल यो अली मदद क्या हाल है गाइस। तो आज इस वीडियो में मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ कराची चहलम जुलूस 2021 कराची अरबईन वॉक 2021। लास्ट ईयर भी मैंने कराची के चहलम के जुलूस के ऊपर वीडियो बनाया था जो कि बहुत बड़ा जुलूस था, रिकॉर्ड ब्रेकिंग जुलूस था लास्ट ईयर का। नाउ लेट्स सी इस साल का जुलूस किस तरह का रहा, अपनी इस वीडियो को देखते उसको अच्छा लगेगा। पता बहुत लोगों से बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है कि बहुत बड़ा जुलूस रहा, रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है ना, बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। तो लेट्स सी इस वीडियो को देखते हैं। जितने भी लोगों की वीडियोस मैंने यूज करे ना, सभी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे, तो प्लीज जाके चेक कर लेना। फुल क्रेडिट सभी लोगों को जाता है जिसकी वीडियोस मैंने यूज करे इस वीडियो में। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो। हुसैन ने अपना दिल अल्लाह को अता किया और अल्लाह ने हुसैन को लाखों दिल अता किए। करबला 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 अब्बास का परचम है अलमदार का परचम, ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम। अब्बास का परचम है अलमदार का परचम, ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम। अब्बास का परचम है अलमदार का परचम, ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम। परचम मेरे मुर्शिद का जो घर घर पे लगा है, ये सारे आजादारों पे जहरा की अता है। इस परचम अब्बास को जैनब की दुआ है, कौन इसको झुकाएगा भला, किसमें है ये दम। ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम, अब्बास का परचम है अलमदार का परचम, ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम। गाजी का सकीना से वफा का है ये आलम, परचम से जुदा मश्क है ना मश्क से परचम। जैसे किसी बाजू पे हो तावीज मुकदम, ये वाली सकीना की दुआ साथ है हर दम। बच्चों को ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम, अब्बास का परचम है अलमदार का परचम, ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम। अब्बास अलमदार वफादार वफादार, अब्बास अलमदार वफादार वफादार। सीनों में है करबला, सहनों में है करबला, कनों में करबला, सांसों में है करबला। कभी न जा सका करबला के जो भी आ गया करबला, औरंगजेब तो जल गया होगा इसे देख के। बारिश भी आई, ये कहाँ का है? काफी बारिश आई। महमान थे लेकिन
दरिया से हटाया, प्यासे ही रहे उन्हें पानी न पिलाया। अल्लाह ने जिनके लिए कौसर को उतारा, मोहम्मद का वफादार है अल्लाह उसका, करबला उसकी, नजफ उसका, मदीना उसका, और जिंदगी है तो बस अली की तरह, और मौत आए तो या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन कलम का इल्म का सालिक है या अली, जब तक खुदा का मुल्क है मालिक है या हुसैन ये इल्म कदर सब्र का घर खत्म न होगा, थक जाएगा सूरज ये सबक खत्म न होगा। या अली या हुसैन या अली या हुसैन, और आप कौन हैं? आप कौन हैं? आपकी तारीफ क्या है? आपके ये उठे हुए हाथ मेरे सामने नहीं है, इमाम ज़माना के सामने हैं। हम इस दौर से गुजर रहे हैं, शोहदा की लाशें उठा रहे हैं। अब हाथ उठाने में अगर शमरा की शर्म आती है तो दो ही बातें हैं, या तो कोई परेशानी है या किसी यजीद का डर है। डर तो नहीं है यजीद किसी का। अच्छा, जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह। अब सुनना, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुनो ये अल्फाज, ये अल्फाज इसलिए नहीं कहे, ये अल्फाज इसलिए नहीं कहे, सुनो मेरे बच्चों, ये लफ्ज इसलिए कहे कि मेरा रेहान आज़मी इस बात का गवाह है कि हम स्टूडियो की लाइटें बंद करके अपने कलामों का आगाज करते हैं, और सबसे पहले बीबी सरकार को बुलाते हैं। हमने शोहदा के लाशें उठाए हैं, शहादत हमारी मीरास है, हमने बड़े जख्म खाए हैं। आज मैं बहुत कुछ सोच के आया हूँ, बहुत कुछ पढ़ने के लिए आया हूँ। आज यहाँ वो तारीखी अलविदा होगी जो इस साल मैंने करबला में की थी इंशाल्लाह। और आप लोग कौन हैं? जरा सुनिए, ये सल्तनत इश्क है खुदार मिलेंगे, ये सल्तनत इश्क है खुदार मिलेंगे, सलमान और अबू जर से वफादार मिलेंगे, वफादार मिलेंगे, आशिक यहाँ मीसम से जिगरदार मिलेंगे, जीने के लिए मरने पे तैयार मिलेंगे, तैयार मिलेंगे, कट जाए सबा इश्क मगर खत्म न होगा, थक जाएगा सूरज ये सबर खत्म न होगा। या अली या हुसैन या अली, जज़ाकअल्लाह हुसैन उठाकर ऊंची आवाज से बोलना है, जितनी ताकत है उतनी ताकत से, है इरादा बीबी जहरा से, ये जुलजिना है ना, सभी ये जुलजिना से, मोहम्मद के घराने से वफादारी न छोड़ेंगे, आजादारी न छोड़ेंगे, माशाल्लाह यार। मैं आज तक इस तरह के जुलूस में कभी नहीं गया।
कुछ लोगों ने तो मास्क ही लगाया, उनको फर्क ही नहीं पड़ता लिटरली जो भी हो जाए। कुछ लोगों ने बिल्कुल मास्क नहीं लगाया। कोई घूम गया, कोई घूम गया है ना। बहुत बड़ा जुलूस है यार, सच बता रहा हूँ। ये खत्म ही नहीं होता लिटरली, ये बढ़ते जाते हैं। That's it. कट जाएगा ये सर, मगर सफर खत्म ना हो। सबीले लगे थे ना पानी की, लाइक ट्रक वगैरह आते हैं, उसी तरह से इस वीडियो के बाद फारूकी साहब के लिए ट्रक भर के बर्नोल आएंगे, और पता नहीं वो कहाँ कहाँ लगाएंगे। अब मुझे नहीं पता जहाँ उनको लगाना है। जला है, बहुत सिंपल सी बात है, जला तो है इस जुलूस के बाद, बहुत सिंपल सी बात है। फारूकी साहब अभी नज़र नहीं आ रहे यार, बहुत लाइक जुलूस के पहले से बहुत आवाज़ें आ रही थी उनकी तरफ से कि तुम्हारे बाप का नहीं है कराची, जुलूस नहीं होने देंगे, दहशतगर्दी है, शिया कलमा दहशतगर्दी है, लियुन वलीउल्लाह हटा दो। कहाँ गए चचा, चचा गायब हो गए लिटरली। बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत बड़ा जुलूस रहा, सच बता रहा हूँ, बहुत बड़ा जुलूस रहा, बहुत अच्छी तरह से ये जुलूस रहा। एंड इस तरह का जुलूस मैंने कभी खुद होके एक्सपीरियंस नहीं किया है, इस तरह का जुलूस मुझे खुद होके एक्सपीरियंस करना है। एक होता है कुंभ का मेला, बिल्कुल मैं उसमें भी कभी नहीं गया आज तक। हिंदुइज्म में कुंभ का मेला लगता है जो कि 12 सालों में आई थिंक मेरे ख्याल से लगता है, जहाँ तक मुझे याद है, यस 12 सालों में आई थिंक लगता है, 12 साल या फिर वो बड़ा मेला जो होता है वो 12 साल में आई थिंक लगता है, छोटा मेला आई थिंक कम ईयर में लगता है। उसमें भी मैं कभी भी अपनी लाइफ में नहीं गया, ये तो बहुत लाइक इसमें तो कभी गया ही नहीं मैं लिटरली, सच बता रहा हूँ। इस तरह के जुलूस में मैंने कभी नहीं गया, और सच बता रहा हूँ, इस तरह का जुलूस खुद से एक्सपीरियंस करने का एक अलग मज़ा है, तुम कह सकते हो, है ना। खुद से जाके, खुद से उठ के, तुमने देखा वहाँ पे जिस तरह से लाइक लोगों ने अलम उठाया था, छोटे छोटे बच्चे तक आए थे उस जुलूस के अंदर, छोटे छोटे बच्चे, जो बच्चे लिटरली चल भी नहीं पाते वो बच्चे भी आए थे, वो जो लाइक बच्चों की एक जिसमें बच्चे रखते ना, वो गाड़ी सामान होती जिससे लाइक धकल के ले जाते, उसमें बच्चे बच्चे लेके आए थे लोग। बहुत अच्छा ये वीडियो था, बहुत अच्छा ये वीडियो लगा मुझे, बता रहा हूँ जिसने भी लाइक ये पूरा वीडियो शूट करा है ना। सभी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे। बस ये वीडियो जो है ना औरंगजेब फारूकी तक ना पहुँचे, बेचारे को और तकलीफ होगी इसे देखने के बाद। कहेगा यार हमारे बाप की भी कराची नहीं है लिटरली। बहुत अच्छी वीडियो थी, सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत अच्छा जुलूस रहा। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं यार, मुझे लाइक किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी जात से, कोई भी फिरके से, यार सबके है इमाम हुसैन अलैहि सलाम, क्या शिया सुन्नी लिटरली यार, ऐसा कोई सीन ही नहीं है लिटरली। तुमने देखा वहाँ पे सभी लोग थे, वो जो औरंगजेब फारूकी था ना, पता नहीं कौन से जात का है मुझे नहीं पता, वो जो टोपी पहनता ना अजीब सा कुछ, तो ऐसी मतलब टोपी उनकी कुछ अलग टोपी होती है, अजीब नहीं होती, कुछ अलग टोपी होती है, मुझे प्रॉपरली नहीं समझ में आता है। तो उस तरह के टोपी वाले भी लोग देखे मैंने इस वीडियो के अंदर में, सोचो उनके जात के भी लोग थे, तो एक जात के नहीं आते, शिया वाले सिर्फ नहीं आते इसके अंदर, सभी जात के लोग आते इसमें। मतलब तुम मुसलमान के अंदर ही फिरके ढूंढते रह जाओगे, यहाँ पे अलग अलग मजहब के लोग आ जाएंगे, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख ईसाई सारे भाई भाई सभी आ जाएंगे लिटरली जुलूस के अंदर में। इस तरह का जुलूस होता है। लास्ट ईयर का जुलूस भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी तरह से लाइक हुआ, इस बार भी बहुत अच्छी तरह से जुलूस हुआ। ताबूतें उठी इमाम हुसैन अलैहि सलाम की, तुमने देखा वहाँ पे जुलसिनात देखा अपन ने, जहाँ पे लाइक जुलसिनात के लोग चूम रहे थे, है ना। तो बहुत अच्छा जुलूस रहा इस बार भी, बहुत अच्छा ये वीडियो था। जितने भी लोगों की वीडियोस है उनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे, तो प्लीज़ जाके चेक कर लेना।
सपोर्ट सभी को, जितने भी लोग हैं, ऑल विजन है या फिर जितने भी लोगों के वीडियोस मैंने यूज़ करे, सभी लोगों के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे, प्लीज़ जाकर चेक करना है, प्लीज़ जाकर चेक करना। मैंने चाहता कि मुझे कोई कॉपीराइट क्लेम वगैरह मिले। हुसैनी प्रोडक्शन, जितने भी लोगों के वीडियोज़ यूज़ करे, सभी लोगों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी से बी हैप्पी, पीस आउट, या अली मदद, लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन। कभी ना जा सका।